देखिए, कल तक हम लोगों ने एरर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था, मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू क्या, एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर सी। इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, जो पावर में होगा वो पहले आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, डिफ्रेंशिएशन। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका प्रूफ हम लोग डिफ्रेंशिएशन की मदद से करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी मैं बोलूं कि हाँ इसको इस प्रोसेस से करेंगे तो उसको वहां पे मार्क कर लीजिएगा, ताकि हम लोग वो मेथड पढ़ें तो आप में से तुरंत बोलें सर आपने वहां पे कहा था कि इससे बताना है मेरे को। ठीक है, तो उसको वहां पे बकायदा उसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो ये जो आपका मेथड है, ये जो आपका जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे बाई डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ें एक बार मेरे को जरूर याद दिला दीजिएगा सर इसको डिफ्रेंशिएशन से प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है, और एक चीज और याद दिलाइएगा हम लोग। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? वन अपॉन आर इक्वल टू वन ऐसा अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस है आपका आर वन और ये आपने लिखा 2 ± 0.1 ओम। एक और रेजिस्टेंस है आर टू, ये आपने कहा ये है 4 ± 0.1 ओम। ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, फर्स्ट पार्ट जब ये सीरीज में कनेक्टेड हो और सेकेंड पार्ट जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हो। कैसे करेंगे, चलिए फटाफट सीरीज का बेसिक तरीका। आई मेरी क्यू डायरी रखी बोल रही हूँ। सर 6 ± 0.2 फर्स्ट वाले को। ठीक है, पैरेलल वाला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दारा, गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून अथर्व, अक्षय गुप्ता, अथर्व, दारा, वीडियो ऑन के लिए बेटा। अब तो यस पहले से धीरे धीरे हेजिटेशन दूर हो रही होगी ना? यस सर। हाँ, तो बस यही सोचिए। हाँ, टीचर और स्टूडेंट एक फ्रेंडशिप की तरह, लेकिन अपने अपने लिमिटेशन में। सर जो एरर होगा वो भी अपॉन में लिखेंगे। यही तो क्वेश्चन है, इसी को सोचना है हमें। इसी को थोड़ा सा सोचना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, जब आप लोग एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना तो वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग एरर के बारे में पढ़ते हैं उसके सेकंड पेज में ये क्वेश्चन है पैरेलल वाला, उसने भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। ठीक, कि जब पैरेलल में कनेक्शन होता है, जैसे मैं सीरीज के बारे में बात करूँ तो सीरीज में तो आपको पता है सिंपल, अगर मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट का मतलब आर वन प्लस आर टू। तो मैंने क्या किया, 2 + 4 सिंपल 6। और मैंने क्या कहा था, जो एरर होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब जीरो होगी, जब पॉइंट दोनों टू को ऐड कर दो। प्लस माइनस सिंपल जीरो सर, पॉइंट टू प्लस बिल्कुल सर, माइनस जीरो पॉइंट टू बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया, जब सीरीज में होगा तो मेरी वैल्यू ये होगी।
अब मेन मुद्दा उठता है कि जब पैरेलल में होगा तब मैं कैसे निकालूं। फिर से अभी तो मैं आपको फिलहाल फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन कौन करवाएगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए, आपने कहा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करके हम लोग जब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, ये आता है फॉर्मूला आपका डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको आप लोग याद रखिए, खासतौर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट। मेडिकल में नहीं आया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, स्क्वायर हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका प्रूफ हम लोग कहाँ पे करेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। आप लोग अभी से ही एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे फिजिक्स के लिए, वो होंगी आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फिजिक्स चैप्टर वाइज। ठीक है, मैं जब भी बोलता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी स्टार्ट करूंगा एक दो लेक्चर के बाद। ठीक है, लेवल जैसे जैसे बढ़ाएंगे कि मैं कहूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कुछ फॉर्मूले भी आएंगे चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं फॉर्मूले भी बताऊंगा कि हाँ ये फॉर्मूले हैं, तो उसको आप लोग सेपरेट कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ताकि एक समरी टाइप का आपका एक अलग से नोट्स बनता जाए, और उस नोट्स को आप लोग पर डे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे फिंगर टिप्स पे फॉर्मूले होंगे तो क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा ना कि क्या करना है। और मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो मैं क्वेश्चन तो पढ़ते ही जाऊंगा, 10 बार पढ़ता जाऊंगा, सोचूंगा कि क्या करूं। ठीक है, तो इसलिए आपको आदत में शामिल कर लीजिए आज से ही कि मेरे को रोज एक या दो पॉइंट्स होंगे, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, रोज करेंगे एक या दो पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन आप सोचेंगे मैं एक साल के बाद करूंगा 11th कंप्लीट होने के बाद, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो रोज एक एक दो दो पॉइंट बताते रहूंगा, उसको नोट करते जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरे को तो क्या निकालना था, पैरेलल, तो इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, उसी को सिंप्लीफाई किया मैंने, जो आपने लिखा था ना, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेके कर सकते हैं ना ये चीज। ठीक, आर इक्विवेलेंट, आर वन की वैल्यू कितनी थी? 2 ओम। आर टू की वैल्यू कितनी थी? 4। ये हो जाएगा 6। ये कितना आ गया आपका आर इक्विवेलेंट? 4/3। ठीक है, 1.33 जो भी है। ठीक, अब मेरे को तो आंसर चाहिए किस फॉर्म में, रीडिंग जैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू कितनी आई? 4/3। और एरर डेल्टा आर इक्विवेलेंट ये कहाँ से निकालूंगा? जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 4/3। डेल्टा आर वन की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.1। डेल्टा आर टू की वैल्यू कितनी है? 0.1। आर वन की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। और आर टू की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। ये सभी वैल्यू इसमें पुट करके क्या मैं डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ? यस और नो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है आप लोगों को। डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन रियली पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। हाँ पूजा बताइए, क्या बोल रही थी, समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हम लोग। मयूरी, हिमांशु, अनिश, क्लियर है बेटा? ऋषभ? यस सर। ओके,
तो एरर से रिलेटेड हम लोगों ने लगभग सभी वैरायटी देख ली है कि हाँ किस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चार ही चीजें होती हैं, चारों चीजें आपने देख ली। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपने जो लिखवाया था ना लास्ट टाइम पे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब एरर आपका 5% या 5% से कम है, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मैंने आपको शीट दी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जब एरर आपका 5% से ऊपर जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, मेरे को जनरल मैथ से अप्लाई करना पड़ेगा। वो आप करेंगे, एक बार असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, डाउट डिस्कशन तो करना ही है ना, ठीक है, बस इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एरर इज लेस देन और इक्वल टू 5%, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एरर इज लेस देन और इक्वल टू 5%। सर इस फॉर्मूले में सर अगर जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें अगर हम z की पावर माइनस सी लिख दें ऊपर ले जाए माइनस, हाँ माइनस में आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये यहाँ पे, यस सर, सर जो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, सर उसमें अगर हम ये ना ये कि हम उसे माइनस, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो कि z माइनस सी लिखा हुआ है, तो सर हम लोग अगर इसमें लगाएंगे माइनस सी तो सर ये तो वो चेंज हो जाएगा ना फिर, ये हमेशा प्लस, सर ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे डिवीजन में लेके फिर हमेशा प्लस, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बारे में बात करते हैं, और मैक्सिमम तभी होगा जब बीच में प्लस आ रहे होंगे सब, ठीक है। फिलहाल अभी याद रखिए हम लोग तो प्रूफ करेंगे ना इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर लेस देन 5 और 5, लेस देन और इक्वल टू 5%, डायमेंशन एनालिसिस। बहुत सिंपल टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एक साल, ठीक है, तो फ्री के मिलते हैं मार्क्स यहाँ पे 4 नंबर। अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करें तो हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, 7, तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल सही, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम लोग डायमेंशन क्या लेते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल एल, ठीक है, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए कैपिटल आई और कैपिटल ए, ध्यान रखिएगा, ठीक, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के और थीटा, नहीं सी नहीं, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, मोल, लेकिन जो भी है आपका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी है और इसका ये डायमेंशन है, एक एक करके पढ़ते हैं कि हम लोग डायमेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लियो। यस सर। सर ये फिफ्थ वाले में सर क्यू बना हुआ है, के और क्यू। कौन से वाले में? फिफ्थ वाले में, टेम्परेचर में। यस सर। बेटा ये के है और ये क्या, थीटा। थीटा थीटा क्यों नहीं है, क्यों बेटा ऐसे लिखूंगा ना। ठीक है सर। नोट कर लिया सभी लोगों ने? ठीक। अब देखिए इसकी तीन पहले बेसिक चीजें देखें कि हमारे कौन कौन से डायमेंशन हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक थे। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं स्पीड, सबसे पहले एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया का मतलब लेंथ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। उसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम एल क्यूब। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ना। और मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब कैपिटल एल डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस। एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का एम और एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू। क्लियर यहां तक? यस सर। नोट कीजिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अक्षय गुप्ता वीडियो ऑन कर लीजिए। सर LT माइनस क्यू कैसे है? कहाँ पे बेटा? एक्सीलरेशन में। yes, अच्छा देखिए यहाँ पे T नीचे है, T अगर ऊपर की तरफ आएगा तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, LT माइनस वन तो है ही, T ऊपर आएगा तो T की पावर माइनस वन। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं, ये क्या हो जाएगा एल माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, देखिए किसी को छोटा सा भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, इनिशियल स्टेज में हैं आप लोग। अथर्व क्लियर है? यस सर। ठीक है, आन्या ऋषभ सिद्धार्थ मयूरी अनिश हिमांशु, ओके चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े। प्रेशर, प्रेशर सुना है? ओके प्रेशर सुना है आप लोगों ने? यस सर। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, अभी आपने लिखा था एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
एक टर्म आता है आपका, हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, 11th के चैप्टर है, उसमें वर्ड आता है स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेस आपका टेंसर क्वांटिटी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेंसर होता है, प्रेशर का समझ नहीं आया। सर थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स है बेटा, थ्रस्ट है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया फोर्स, सिंपल फोर्स, थ्रस्ट को ही हम लोग फोर्स कहते हैं। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेस है ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, लेकिन बेटा हम लोग, ये 8वां चैप्टर है, मेरी बात को सुनिए। तो पहली बात, आप ये जो स्ट्रेस के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे 8th चैप्टर में करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, अभी मैं बताऊंगा भी बहुत सारे टर्म्स जो कि आपने कभी सुने ही नहीं, लेकिन हम लोग सुनेंगे चैप्टर वाइज सुनेंगे। तो जो डायमेंशन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि पूरी फिजिक्स के टर्म्स हैं, जो 30 चैप्टर्स में हमें पढ़ने हैं, लेकिन सभी टर्म्स आज के दिन में नहीं बता सकता। मैं सभी टर्म्स आज के दिन बताऊं, मतलब कि मैंने 300 चैप्टर आज खत्म कर दिए, पॉसिबल है क्या कि मैं एक घंटे में 30 चैप्टर खत्म कर दूं, जो कि मैं 2 साल में लगाऊंगा। मेरे पास 2 साल का वक्त है 30 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं जो जो बताऊं उसको सिर्फ लर्न करना है। चैप्टर वाइज हम लोग हर एक टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम लोगों का 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट में दोबारा पढ़ाऊंगा। ये पहली बार पढ़े हैं, दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोगों के 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है अनीश? ठीक है सर। हाँ सर, एक बार प्रेशर का बता दीजिए। बेटा प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर होता है। मैं बता देता हूँ इसको मैं कहाँ पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा डिटेल में ये डिस्कस करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखिएगा 11th का 8वां चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये डिस्कस करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड 7वां चैप्टर है। ठीक, ओके सर। इसका डायमेंशन भी देखेंगे तो वही आएगा ना, ML-1 T-2, पहला ड्रॉबैक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको डायमेंशन लिख दिया, मैंने क्वेश्चन में दे दिया डायमेंशन है ML-1 T-2, क्या इसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रेशर है कि स्ट्रेस है? नो सर, नहीं बता सकते ना। ठीक, एक और चीज देख लेते हम लोग, जैसे कि आपने कहा वेलोसिटी का डायमेंशन अभी निकाला था LT-1, और स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, LT-1, ये भी वही आएगा। डिस्टेंस का मतलब L डिवाइडेड बाय T, मतलब कि LT-1। अगर मैंने LT-1 लिख दिया तो ये वेलोसिटी है कि स्पीड है, आप बता सकते हैं? नो सर। अगर मैंने सिंपल L लिख दिया, L का मतलब क्या, लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, नहीं बता सकते ना। तो ये पहला ड्रॉबैक है, लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में, और इसी के नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लीजिए एक लाइन, डायमेंशन एनालिसिस को ड्रॉबैक। हाँ, लेकिन हेडिंग मत डालिए कि जैसे कि सिंपल, इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए ना, इफ वी हैव गिवन ML-1 T-2, देन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर इट इज प्रेशर और स्ट्रेस, इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अलग से कोई पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा हूं मैं, साथ साथ में बताता जाऊंगा। चलिए एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बताया था? हम मैंने ये बताया बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि LT-1 लिखा हुआ है, ठीक, तो LT-1 आपका डायमेंशन वेलोसिटी का भी होता है और स्पीड का भी होता है। तो अगर मैंने सिंपल LT-1 लिख दिया तो अनिश क्या बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी है कि स्पीड है? नो सर। हाँ, तो वही ड्रॉबैक मैंने बताया,
कि अगर डायमेंशन लिखा हुआ है तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये किसका डायमेंशन शो कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट करने पर बता दीजिएगा, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर नोट करने को क्या कहा था आपने? यही जो चीज मैंने बोली इसी को नोट करना है आपको। फिजिक्स में थोड़ा ख्याल रखिएगा, मैं जितनी कहानी बताऊं सब कहानी एज इट इज आपकी कॉपी में होनी चाहिए, कहानी में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हाँ बोलिए दरा। सर वेयर डू वी यूज दिस फॉर्मूलास फॉर डायमेंशन एनालिसिस? हाँ अभी हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में आएंगे ना कि व्हाई वी आर स्टडीइंग डायमेंशन एनालिसिस, उसमें बताऊंगा ये कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। कुछ टर्म्स और आते हैं, ये मत पूछेगा सर कहाँ से लिख दिया आपने, बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F is equal to minus at a dv upon vx. ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड में। ये जो है ना एटा, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसका डायमेंशन आप बता सकते हैं? अभी फिलहाल नहीं बता सकते, रटना पड़ेगा ना, क्योंकि तो आपको ये नहीं पता है कि dv upon dx का मतलब क्या है। dv upon dx होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ठीक, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई सा भी टर्म्स नजर आए कि इसका डायमेंशन ये होता है, फिलहाल रट जाइए। क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए बॉदर मत कीजिए, क्योंकि आज कल तो पेपर नहीं देना ना आप लोगों को, ना ही कल किसी को नीट देना, ना ही कल के डेट में किसी को आईटी का पेपर देना, दो साल के बाद देना है, और दो साल में हम लोग सभी टर्म्स पढ़ चुके होंगे और बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हमने जहाँ तक पढ़ा है इतनी चीजें मैंने पढ़ी हुई थी पहले से, इसलिए मैं इसका डायमेंशन आराम से निकाल सकता था। लेकिन इसके आगे जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्टेज, ठीक है, ये सब मैंने नहीं सुना कभी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो सबके फॉर्मूले लिखवा सकता हूँ, डर जाएंगे पता नहीं क्या सर ने और इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को बेसिक चीज पता चल गई कि मैं डायमेंशन कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को फॉर्मूला पता होगा निकाल सकता हूँ ना, और फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म्स निकाल सकता हूँ ना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं बता देता हूँ, F is equal to eta a dv upon dx. dv का मतलब small change in velocity और dx का मतलब length. तो मैं यहाँ पे देखे eta a का मतलब क्या हो जाएगा, l square area, dv मतलब velocity lt minus 1, dx का मतलब length l, force का मतलब mlt minus 2, तो a k l cancel हो गया, eta की value क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये इधर चल जाएगा ना पूरा टर्म डिनोमिनेटर में, एक एल कैंसिल हो गया, एक टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एम एल माइनस वन टी माइनस, ये होता है डायमेंशन। सर इसका सर हम यूज कहां पे करते हैं? अभी यूज नहीं, अभी एप्लीकेशन बताऊंगा बेटा कि हम लोग डायमेंशन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन धरा ने पूछा था कि हम लोग यहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है नीश, थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट कीजिए, हम लोग उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि इसको कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे बहुत सारे टर्म अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, भूल जाइए, मतलब भूल जाइए, आप ये सोचिए जब मैं चैप्टर पढ़ूंगा सर मेरे को बताएंगे ये टर्म कहाँ से आया। ठीक है, अब इसका मेन है एप्लीकेशन, इसको मैं पढ़ क्यों रहा हूं, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर,
पहला एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि जो भी इक्वेशन लिखी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये पता लगाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी ने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन। यस सर। तो मेरे से पूछा गया ये जो आपने इक्वेशन लिखी है करेक्ट है कि नहीं, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन है वो अगर सेम होगा तभी क्या होगा, ये इक्वेशन करेक्ट होगी। LHS इज इक्वल टू RHS कहते हैं ना, वही उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए आप कोई चीज को अगर मेरे को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सभी चीजें सेम होनी चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा कि आपके हाथ में 1 kg चीनी है और 1 dozen केले हैं, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? No, sir. क्यों? No, sir. क्यों? Because क्यों? They are not in the same unit. और जैसे कि मैंने कहा कि एक हाथ में आपकी 1 kg चीनी है और दूसरे हाथ में 5 kg राइस है, आप कंपेयर कर सकते हैं? Yes, yes, sir. ये कह सकते हैं कि राइस इज 4 kg मोर देन द अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर। तो मतलब कि जब हमें कंपैरिजन करना है तो सेम चीजों में ही कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है? इंसान को जानवर के साथ कंपेयर करते हैं क्या? कहावत कहते हैं क्या जानवर हो क्या, वो अलग चीज, लेकिन कंपैरिजन सेम चीजों पे होती है हमेशा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ स्पीड को डिस्टेंस के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? नो सर। स्पीड को स्पीड के साथ ही ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास को डिस्टेंस के साथ ऐड नहीं कर सकते, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वी, वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? LT-1 एक्सेलरेशन के LT-2, ठीक है। यू, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, इसका भी LT-1 ही होगा। यस सर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, अभी निकाला था। LT-2 इनटू क्या है? टी मतलब कि इसका डायमेंशन कैपिटल टी। LT-2 को टी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो है एटी। एटी का मतलब क्या हुआ? LT-2 इनटू टी, बेटा ये क्या आ जाएगा? LT-1, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो आपने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ये भी तो LT-1 ही है, राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड, पहला क्या है, पहले का डायमेंशन क्या है? LT-1। जो दूसरा वाला है AT, इसका भी डायमेंशन क्या है? LT-1। इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो नई चीज आएगी उसका डायमेंशन भी तो LT-1 होगा। यस सर, दोनों सेम है। हाँ ठीक है ना, सेम डायमेंशन को ही मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यस और नो। जैसे अभी आपने कहा कि 1 kg, 1, 2 kg इन्हीं सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिस्टेंस में से स्पीड को माइनस नहीं कर सकते, है ना? तो सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे कहा कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी LT-1 है और जो AT है वो भी LT-1 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी LT-1 ही आएगा ना। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं तो यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया? LT-1। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया? LT-1। तो क्या दोनों इक्वेशन ये जो लिखी गई है करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। मैं यहाँ पे बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन ये इक्वेशन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कह सकता,
क्योंकि आपको ये पता है कि v is equal to u plus at ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं तो ऐसे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन करके या डिवीजन करके ऐसा बना सकता हूँ ना कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, कर सकते हैं कि नहीं आप? अपने मन से कर लीजिए, दो का मल्टीप्लीकेशन तीसरे का डिवीजन, और इधर साइड में दो का मल्टीप्लीकेशन तीसरे का डिवीजन, ऐसे करके आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, लेकिन वो दुनिया में एग्जिस्ट ना करे, ऐसी कोई इक्वेशन हो ही ना दुनिया में, लेकिन आपने इक्वेशन बनाई और कहा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि ये आपको पता तभी इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, इसलिए आपने कहा ये एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि मैं रैंडमली कुछ भी बना सकता हूँ, आप बैठे बैठे बना सकते हैं, 5 मिनट का दिमाग लगाइए कुछ भी बना देंगे, किसी भी दो का मल्टीप्लीकेशन इधर तीसरे का ले लीजिए डिवीजन करके, जैसे रैंडमली हम लोग बना ही लेते हैं, रैंडमली बना के देखते हैं क्या आता है कि नहीं। मैंने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, ठीक, और इससे मैं क्या करूं एरिया से डिवाइड कर दूं, एरिया एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस वन t माइनस टू। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ लिख दिया a डिवाइडेड बाई एरिया, a डिवाइडेड बाई कैपिटल A, ठीक है, a एक्सेलरेशन है, कैपिटल A एरिया है, इज इक्वल टू, मेरे को L माइनस वन t माइनस टू चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाई इधर ऊपर ले लीजिए टाइम का स्क्वायर, नीचे ले लीजिए टाइम का स्क्वायर, और यहाँ पे ले लीजिए लेंथ, हो गया ना, मतलब कि वन अपॉन डिस्टेंस डी इंटू टाइम का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ डायमेंशन सेम आएगा ना, यस सर, लेकिन ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है क्या दुनिया में, क्या एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया कोई एक नया टर्म है और वन अपॉन डी इंटू टाइम का स्क्वायर एक नया टर्म है? ऐसा टर्म हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो इक्वेशन है मैं उसको सिर्फ देख के बता सकता हूँ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। धरा बेटा आपको आवाज आ रही है, आपका वीडियो पॉज हो गया है, हिमांशु आन्या सिद्धार्थ ऋषभ अनीश हनी क्लियर है? ओके सिद्धार्थ, यस सर, ठीक है, अनीश हनी क्लियर है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन, टू डिराइव फॉर्मूला, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज लेते हैं। जैसे आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा है ना, लोअर स्टैंडर्ड में है, 9th या 10th क्लास में, नहीं 9th में होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? हाँ, 2π√L/g, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि कैसे लिखा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इसका आंसर हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मेरे से कहा गया कि जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. तो मेरे से पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड. धरा बेटा आपको आवाज आ रही है? आपका वीडियो पॉज हो गया है, नेटवर्क इश्यू है क्या? चलिए नोट के लिए यहाँ तक. यस सर. अब देखिए इसको डिराइव कैसे करते हैं. अच्छा क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता ना कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है या लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शन है, ये मुझे नहीं पता. बस ये पता है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक, और ये एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है. लेकिन वो कितना है वो मुझे नहीं पता कि वो जी क्यूब पे डिपेंड कर रहा है कि 1/g पे डिपेंड कर रहा है कि जी की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है. आ रही मेरी बात समझ में? वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है. तो मैंने कहा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. हाँ बेटा बताइए. ओके ठीक है. देखिए सेकेंड एप्लीकेशन फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्या है, टू डिराइव फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज लेते हैं. तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकालें. हमें क्या करना है, पेंडुलम के बारे में सुना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, तो मैं को सिंपल बोला गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि आपकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. और दूसरा पॉइंट कहा गया इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ फॉर्मूला कैसे निकालूं, ध्यान दीजिएगा. मेरे को सिर्फ ये पता है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये मुझे नहीं पता. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए. मुझे यही निकालना है, ए क्या होगा, ए की वैल्यू -1 होगी, -2 होगी या -1/2 होगी, ये सब चीजें. मुझे ये भी नहीं पता कि वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन की पावर क्या, मैंने मान लिया बी. ठीक, अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा ना सर, एक्सीलरेशन जी कैसे होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा. ओके सर. हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका डायमेंशन क्या होगा सर? इसका कोई डायमेंशन. मैंने सिंपल आपसे बोल दिया What is the dimension of 2? आप कहेंगे नहीं पता, dimensionless है, constant term है, मुझे नहीं पता. ठीक, तो k इसी तरीके से आपका proportionality constant है. k, l का dimension capital L, g का मतलब acceleration, और acceleration का dimension lt minus 2 power b, और left hand side में dimension t का, simple t. टाइम पीरियड का, तो राइट हैंड साइड में आपने डायमेंशन क्या लिखा, एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर -2b, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, एल की पावर 0 टी की पावर 1. क्या ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर. ठीक है, मैं सिर्फ डायमेंशन लिख रहा हूँ, के को हटा दिया मैंने क्योंकि के तो डायमेंशन लेस है. समझ में? मैं सिर्फ डायमेंशन को कंपेयर कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो इक्वेशन वैलिड होगा. ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है आपका, आप दोनों को कंपेयर कीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर कितनी है,
जीरो राइट हैंड साइड में भी एल की पावर क्या होनी चाहिए जीरो लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर क्या है वन फाइव यहाँ पे भी कितना होना चाहिए वन तो बी इज इक्वल टू -1/-1 तो ए इज इक्वल टू -1/2 दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए T is equal to क्या आ जाएगा K L की पावर A A की वैल्यू कितनी है 1/2 T की पावर -1/2 क्या मैं इसको लिख सकता हूँ L divided by G under root Yes sir Dimension analysis की दूसरी drawback कि dimension analysis की मदद से हाँ हाँ नहीं एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि नयन के चेहरे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट नजर आ रहा है ठीक है सर ये एल के पास जो थर्ड लाइन में है एल ए बी कैसे हुआ बता रहा हूँ फिर से देखिए फिर से दोबारा समझिए फटाफट मैंने कहा कि कितना टाइम आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है टाइम आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है लेकिन उसकी पावर कितनी मुझे ये नहीं पता तो आपने मान लिया आपने कहा कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a एंड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर b यहां तक क्लियर है सभी को ठीक यस सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k ये भी क्लियर है यस सर ठीक है तो आपने कहा कि यहां तक हम लोग पहुंच गए अब मैं डायमेंशन लिखना चाह रहा हूं T का डायमेंशन ये लिखा आपने सिंपल T लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इसका डायमेंशन L और G का डायमेंशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT माइनस टू इसकी पावर क्या है LT माइनस टू की पावर क्या है बेटा T तो पावर अंदर आ जाएगा ना क्या हो जाएगा L की पावर B T की पावर माइनस टू B और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या था L की पावर A तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना और T की पावर माइनस टू भी नहीं आया समझ में सर ये नहीं आया कहाँ पे नहीं आया मनीष अभी अभी आपने बताया था ठीक है देखिए दोबारा देख यहाँ तक क्लियर है इस वाले स्टेप तक यस सर ठीक है इस वाले स्टेप तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं डायमेंशन लिखना चाह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में टी का डायमेंशन तो सिंपल टी है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बात करें तो के का डायमेंशन क्या होगा बेटा डायमेंशन लेस ठीक है कोई डायमेंशन नहीं है और एल का डायमेंशन मतलब कि लेंथ और इसकी पावर कितनी है ए और राइट हैंड साइड में जी जी मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस टू पावर क्या आ जाएगा बी अब इसको क्या लिखेंगे एल की पावर ए और ये अंदर आ जाएगा एल की पावर बी टी की पावर माइनस टू बी ऐसे करते हैं ना जैसे कि एक्स वाई पावर थ्री है इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्यूब वाई क्यूब ना यस सर उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा एल की पावर ए प्लस बी और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू बी अब दोनों तरफ कंपेयर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है नहीं तो मैंने एल की पावर जीरो लिख लिया ठीक यहाँ पे एल की पावर कितनी है ए प्लस बी और यहाँ पे पावर कितनी है जीरो तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू जीरो यहाँ पे t की पावर है माइनस टू बी और यहाँ पे पावर कितनी है बेटा वन तो माइनस टू बी इज इक्वल टू वन अब यहाँ से आपने क्या किया b की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी ये दोनों वैल्यू आपने क्या किया इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया t आ जाएगा l की पावर वन बाई टू और g की पावर माइनस वन बाई टू और इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया
नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, आकांक्षा, पूजा सर, जो डायमेंशंस होते हैं उन्हें हम हमेशा इस ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, मॉड में क्यों लिखते हैं? वो बेटा तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि हमें डायमेंशन लिखना है तो ऑलवेज राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट। सर ए इज इक्वल टू हाफ कैसे आ गया? बी की वैल्यू बेटा माइनस वन बाई टू पुट कीजिए, ये आपने जो बी निकाला ना ये वैल्यू यहाँ पे पुट। क्लियर है? अभी हम लोग दो दिन तक यही प्रैक्टिस ही करेंगे डायमेंशन की। आप सोच रहे होंगे सर को कैसे याद है इतने सारे डायमेंशन, बेटा काफी साल हो गया ना पढ़ाते हुए, तो मेरे को याद आ रहा। ठीक है, 12 साल तो हो गए, मैंने 11 12th 12th किया था 98 में, आप लोग पैदा नहीं हुए थे। हाँ सर नहीं हुए थे। तो मेरी 98 में है और 2002 में ग्रेजुएशन है, 7 साल पहले हमारे जन्म से। ठीक है, लगभग आपके 22 23 साल हो चुके हैं, 23 साल पहले किया था। तो मेरे को पढ़ते पढ़ाते लगभग हो गया ना, एक ही टर्म मैंने कई बार सुने याद हो गया। आप लोगों को भी 2 से 3 महीने में याद हो जाएंगे सभी टर्म्स, आप खुद ही बोलेंगे वेलोसिटी का ये होता है, एक्सेलरेशन का ये होता है, ये होता है, कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा ना, सिंपल सा तरीका है। तो आज तो सुन ही रहे हैं, मैं रोज सुनाऊंगा। सर अंडर रूट कैसे आया है एल बाय जी पे? हाँ हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आ गया समझ में, ये वाला स्टेप। यस सर, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या हुआ, के एल की पावर 1/2 और डी की पावर -1/2 है, तो नीचे लिख सकता हूँ इसको मैं। यस सर। 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट। ओके सर। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या है आपका, कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है ये नहीं पता लगा सकते। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। ठीक है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है आपका t=2π√L/g। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं पता लगा सकता कि k की वैल्यू 2π है। आ रहा समझ में? ये सेकंड ड्रॉबैक है, वे कैन नॉट प्रिडिक्ट द कांस्टेंट टर्म बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। रिपीट। हाँ, सेकंड ड्रॉबैक क्या है, वे कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर है यहाँ तक? कांस्टेंट बाय डायमेंशन एनालिसिस, हम लोग डायमेंशन की मदद से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, थर्ड यूनिट कन्वर्जन, हम लोग कल देखेंगे। तो तीनों एप्लीकेशन पे अभी मैं कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कल हमारे तीनों एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद शीट के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कम से कम 10-15। इसलिए बेटा एक बार शीट जरूर देखिएगा, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपके सामने हो शीट। ठीक है, एक अलग से अपने एक मोबाइल में, जैसे आप ये लैपटॉप पे देख रहे हैं तो मोबाइल में पैरेलली उस शीट को ट्रांसफर कर लीजिए, ताकि मैं जब क्वेश्चन बोलूं तो आप उस क्वेश्चन को देख सकें, उस समय खोजना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन सर बोल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। धारा और हनी, थोड़ा सा बेटा वेट कीजिएगा आप लोग, धारा और हनी।